बिल्कुल पूरे पंजाब की तरह चिन्नौट में मोटर बाइक सर्विस रेस्क्यू का इनका कर दिया गया है जी। हमारे साथ मौजूद हैं डीसी चिन्नौट, इनसे सवाल पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छा एक एडिशन हुआ है हमारी रेस्क्यू सर्विसेज में। जो मोटर बाइक्स हमें आज मिली हैं, जो 50 मोटर बाइक्स मिलनी हैं, उनमें से 34 का स्क्वाड आज हमें रिसीव हो गया है। इससे श्योरली हमारी सर्विसेज में भी इजाफा होगा। जहाँ पर हमारी व्हीकल्स नहीं पहुँच पाती थी कंजेशन होने की वजह से या रोड्स गलियां छोटी होने की वजह से, वहां पर हमारी ये मोटरसाइकिल स्विफ्टली पहुंच जाएंगी और हम मरीज़ों को इब्तदाई तबी इमदाद जल्द अज जल्द प्रोवाइड कर सकेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है डिस्काउंट का ये कहना था कि जो व्हीकल्स का घाट किया गया, इसका ये फ़ायदा होगा कि जो मरीज़ हैं जिनके पास गाड़ियाँ जल्दी नहीं पहुँच सकती, उनके पास मोटरसाइकिल सर्विस जल्दी पहुँच जाएगी। जी हमारे साथ मौजूद सी हेल्थ, उनसे इस हवाले से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब बता रहे थे और मैडम दायरा खान, ये चूँकि चिन्नौट पुराना शहर है, इसमें बहुत तंग गलियां, जो हमारे इंटीरियर पुराने महल हैं, तो ये एक मोटर बाइक का एडिशन ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। वहाँ पे जहाँ पे एम्बुलेंस का जाना मुश्किल होता था और बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो फर्स्ट एड से महरूम रह जाते थे, तो इन बाइक्स के आने से जैसे कि सर बता रहे थे, एक तो रिस्पॉन्स टाइम कम होगा और इन बाइक्स की वजह से जो पेशेंट को लाने में मुश्किल होती थी एम्बुलेंस वहाँ ना पहुँचने की वजह से, उस पर काबू पाया जा सकेगा और होपफुली एमरजेंसी वेल मैनेज हो जाएगी जी। हमारे साथ मौजूद सी वाल, उनका भी यही कहना है कि चिन्नौट एक छोटा शहर है जहाँ पर जो रेस्क्यू की बड़ी गाड़ियाँ हैं वो उनका जल्दी पहुँचना मुमकिन नहीं है, इसलिए जो रेस्क्यू की जो मोटर बाइक्स हैं वो जल्द से जल्द मरीजों तक पहुँचें और उनको तिबी इमदाद दी जाए। टीम के साथ अब्दुलरहमान तारीख ब्यूरो चीफ एंड न्यूज़ चिन्नौट। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुबारकबाद की मुस्तहिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो आज हमने क्रॉस किया है। हमारे 50 मोटरसाइकिल का स्क्वाड्स एक चिन्नौट को मिलना था, जो आज हमें 34 उसमें से मिल गई हैं। ये उस सिलसिले की कड़ी है जिसमें डिवीजनल हेडक्वार्टर पर ऑलरेडी सर्विसेज शुरू हुई हुई हैं, आज डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू हो जाएंगी। इससे फॉर श्योर हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत डिक्रीज़ करेगा और कॉस्ट एफिशिएंट भी रहेगा। इन मोटरसाइकिल्स को ख़ास तौर पर वहाँ हमें यूटिलाइज़ करने में बड़ी आसानी रहेगी, जहाँ पर हमारी रोड्स कंजस्टेड हैं या छोटी रोड्स हैं या गलियाँ हैं जहाँ पर हमारी वैन्स या गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती थी, मोटरसाइकिल सवार वहाँ पर एफिशिएंटली पहुँच जाएंगे और इससे रिस्पांस टाइम भी कम होगा और कॉस्ट एफिशिएंसी भी आएगी जी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज हमारी डिस्ट्रिक्ट चिन्नौट में मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का इफ्तिताह हुआ है और ये मोटर बाइक्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज ए हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर यहाँ पर काम करेंगे, कि हमारी कोई भी एमरजेंसीज होंगी उन पर एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर ये जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा कंजेस्टेड सिटी है, उसमें एम्बुलेंस और फायर सर्विस को पहुंचने में टाइम लगता है, तो ये फौरी जाकर उसके ऊपर जो है वो जान बचाने में अहम किरदार अदा करेंगे। फिर अगर ये समझेंगे कि वहाँ एम्बुलेंस की या फर्दर ज़रूरत है तो डेफिनेटली फिर वो सर्विसेज भी वहाँ पर उस तरह भेजी जाएंगी। इससे एक तो हमारा रिस्पांस टाइम बहुत कम हो जाएगा और हमारी रीच जो है वो कंजेस्टेड एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये तीनों तहसीलों में इनको प्लेस किया जाएगा तो इंशाल्लाह इससे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपने बहन भाइयों की खिदमत कर सकें। ओके ओके, हाँ ओके।